याद रखना, जिस तरह बाजार से कोई चीज खरीदते जाओ तो उसकी कीमत देनी पड़ती है, ठीक इसी तरह कामयाबी पाना चाहते हो तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो याद रखो, कामयाबी की कीमत हर उस काम को करने में है जिसे करने में तुम्हारा दिल और दिमाग बोले कि अब नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कामयाबी हमेशा उस काम को करने से मिलती है जिस काम को करने में दिल ना लगे। दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है, लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग सुबह सूरज उगने से पहले उठते हैं, दुनिया उन्हें सलाम करती है। मेरी इस बात को याद रखना, तुम दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक सूरज तुमसे पहले उठता रहेगा। जिस दिन तुम सूरज से पहले उठने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। लोग बोलते हैं कि सुबह उठा नहीं जाता, आंखें नहीं खुलती है, अगर खुल भी जाए तो बिस्तर से उठा नहीं जाता। कुछ लोग खुद को धोखा देकर सुबह फिर से सो जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप वो काम करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो काम करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। सुबह अलार्म की आवाज सुनते ही उसे ऑफ कर देना और बिस्तर में ही लेटे रहना आसान है, लेकिन गर्म बिस्तर को छोड़कर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप बिस्तर में ही लेटे रहो और सपने देखते रहो, या फिर बिस्तर से उठो और अपने सपनों को पूरा करो। फैसला आपके हाथ में है, चूज आपको करना है। अब जो बोलने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनना। सुबह उठना क्यों होता है, आखिर क्या कारण है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? आखिर क्या कारण है हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर द रॉक सुबह 3 बजे उठ जाते हैं? बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है सुबह 4 बजे उठने में जो दुनिया के महान और हाईली सक्सेसफुल लोग 4 बजे उठते हैं? दोस्त, आज इस बात को ध्यान में रखना, ये वीडियो आखिरी तक सिर्फ वही देखेगा जो सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ खास टिप्स जिससे आप ना सिर्फ जल्दी उठ पाओ बल्कि उठने के बाद आपको रिफ्रेश फील हो ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। दोस्त, तुम्हारा हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड ये फैसला करता है कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। दुनिया में 98% लोग सुबह जल्दी नहीं उठते, और हैरानी की बात भी यही है कि दुनिया में नाकामयाब लोगों की संख्या भी 98% ही होती है। सिर्फ 2% लोग ही सुबह जल्दी उठते हैं, और कामयाब भी सिर्फ 2% लोग ही है। एक इंटरव्यू में टिम कुक से पूछा गया, आप इतना जल्दी कैसे उठते हो, आप इतने मोटिवेटेड और डेडिकेटेड कैसे रहते हो कि सुबह 4 बजे उठ के ही अपना काम शुरू कर देते हो, आप ऐसा कैसे कर लेते हो? उनका एक ही आंसर था, स्ट्रॉन्ग रीजन। उनका कहना था, जब तक आपके पास कोई ठोस वजह नहीं होगी कि सुबह जल्दी उठना क्यों है, तब तक आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। सो नंबर 1, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए ताकि आप जल्दी उठ सके। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ाई करने के लिए उठ सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उठ सकते हैं। टिप गाइस, सेकंड टिप्स बताने से पहले आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है स्टिल्ट। बेसिकली स्टिल्ट एक बैंक है जो कि आपको एक लोन प्रोवाइड करती है और आपकी फाइनेंशियल हेल्प करती है। जो लोग भी स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हैं या फिर किसी और वीजा पे जाना चाहते हैं और आपको फाइनेंशियली नीड है तो आप आराम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 24 आवर में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा और जनरली यहाँ पे लोन मिल जाता है। खास बात यह है कि जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं आपको $25 मिलेंगे। अगर आपने अपने फ्रेंड या रिलेटिव्स को रेफर करते हैं और वे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा $25 मिलेंगे। स्टिल्ट की खास बात यह है कि आप यहां से $30,000 तक का लोन ले सकते हैं। इसके लिए स्टिल्ट आपसे कोई अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं मांगता, ना ही कोई खास प्रूफ, आपको आसानी से लोन दे देता है। और खास बात यह है कि आप ATM का उपयोग 25,000 से अधिक जगहों पे कर सकते हैं और करेंसी एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। स्टिल्ट बैंक के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट पे क्लिक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो बेस्ट ऑफ लक। टिप नंबर 2, पुट योर अलार्म क्लॉक अवे फ्रॉम द बेड। ये सुबह जल्दी उठने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। आप जब भी सोने जाए अपने अलार्म क्लॉक को अपने बेड से थोड़ी दूरी पे रखें और अपने अलार्म के वॉल्यूम को तेज कर दे। इसका फायदा ये होगा कि जब भी अलार्म बजेगा आप उसे बंद करने जाओगे और आपकी नींद पूरी तरह से खुल जाएगी और फिर आप पढ़ाई कर सकते हो। टिप नंबर 3, प्रिपेयर द नाइट बिफोर। रात को सोने से पहले अगले दिन की तैयारी करके सोना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जैसे आप अगले दिन या स्कूल में पहनने वाले कपड़ों को पहले से रेडी रखते हो, ठीक उसी तरह आपको अपनी टेबल पे बुक्स रखनी है ताकि
आपको ज्यादा सोचना ना पड़े कि आपको कल सुबह क्या पढ़ना है। आप उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। क्योंकि अगर आप सुबह के लिए प्रिपेयर नहीं होगे तो आप हमेशा की तरह लेट उठोगे और सो जाओगे, तो ये गलती ना करें। सो दोस्त, ये थी वो 3 टिप्स जो आपको फॉलो करना ही है, क्योंकि अगर तुम अपनी नींद से नहीं जीत पाओगे तो इस दुनिया से क्या खाक जीतोगे, कामयाब क्या खाक बनोगे। याद रखना दोस्त, कामयाब होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, हर हाल में उठना ही पड़ेगा, क्योंकि कामयाब लोगों की आदत है सुबह 4 बजे उठ जाना और अपने दिन के कामों को पूरी लगन से शुरू कर देना। क्योंकि सोते रहने वाले सिर्फ सपने देखते हैं और जागने वाले उन सपने को जिद में बदल कर हकीकत में पूरा करते हैं। डिसाइड आपको करना है, सोए रहना है या अपने सपनों को।